यूट्यूब चैनल के साथ मैं एमके आपको सलाम अर्ज करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल शामी टीवी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इरशादे बारी ताला है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज पर बनाया। सूरह 3 आयत 4। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इंसान अपनी खलकत में सबसे अशरफ है। खूबसूरती और वजाकता में दुनिया की कोई भी चीज इसके मद्दे मुकाबल नहीं। जिन अल्लाह की मखलूक हैं, जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था, इस मखलूक के वजूद के तमाम कायल है। शेख तकीउद्दीन इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि मुसलमानों में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया। अक्सर कुफार भी इनके वजूद के कायल हैं, क्योंकि जिन्नात के वजूद के मुतालिक अंबियाए कराम के इरशादात हद तवातर तक पहुंचे हुए हैं, जिसका यकीनी तौर पर मालूम होना लाजमी है, जिसको अवाम भी जानते हैं और खवास भी। जाहिल फलसफियों की मामूली जमात के अलावा जिन्नात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस्लामी अकायद में जिन का वजूद मुत्तफिका तस्लीम किया गया है। जिन के मानी छुपे हुए पोशीदा देव भूत हैं। जिस लफ्ज में जीम और नून एक साथ आते हैं, अगरचा इन पर तशदीद भी लगी हो, तो इसमें पोशीदगी का मादा कार फरमा होता है। मसलन जन्नत, जनीन। इसी तरह एक और लफ्ज है जुनून, जिसके मानी अकल पर पर्दा डालना है। जन्नान का इतलाक दिल पर इसलिए करते हैं कि वो खुद पसलियों के पीछे पोशीदा और इसके अंदर आते हुए ख्यालात छुपे हुए होते हैं। इसी तरह जन्नाह ढाल को कहते हैं, जो एक हरबी हथियार है जिसे सामने रखकर सिपाही अपने मुखालिफ के वार से अपने आप को बचा लेता है और इसी तरह वो कार्रवाई से बच जाता है। चुनाचे इसे जिन का नाम इसलिए दिया गया है कि ये लताफते मादा के सबब हमारे हिस्से बसीर यानी देखने की सलाहियत और कुव्वत से पोशीदा है। कुरान की इस्तलाह में ये एक गैर मरई मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान हकीम में 8 सूरतों की 12 और सूरह जिन की 15 आयात में मौजूद है। सूरह अनआम आयत 112 और 128, सूरह हिज्र 26-27, बनी इसराइल 88, अन्नमल 39, सबा 12-14, अज़ारियात 56, अर रहमान 33 और 15 और सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 में इनका जिक्र मौजूद है। जिन्नों की तखलीक कब हुई और किस तरह हुई? बास मुहक्किकीन और तारीखदान लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से भी 2000 साल कबल तखलीक किया गया था। कुरान हकीम में इसका जिक्र इस तरह आया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिनों को इससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। सूरह हिज्र आयात 26-27। एक और जगह इरशाद मुबारक है, उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सूरह रहमान आयत 14-15। इब्ने कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मिट्टी और जिसमें आवाज हो फखार, आग में पकी हुई मिट्टी को ठेकरी कहते हैं। मारत से मुराद सबसे पहला जिन है, जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हजरत आदम को अबुल आदम कहा जाता है। लुगत में मारिच आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। तफहीमुल कुरान में सैयद मौदूदी रकम करते हैं कि नार से मुराद एक खास नौयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयला जलाने से पैदा होती है
और मारिच के मानी है खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया, फिर तखलीक के बाद मुख्तलिफ मदारिक से गुजरते हुए इसके जस्ते खाकी ने गोश्त पोश के जिंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे इसकी नस्ल नुतफे से चली। इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले या आग की लपेट से पैदा किया गया और बाद में इसकी जरियत से जिनों की नस्ल पैदा हुई। इनका वजूद भी असलन एक आतिशी वजूद है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदाए खाक नहीं है, इसी तरह वो भी महज शोलाए आतिशी नहीं है। एक रवायत में आया है कि जिनों को जुमेरात को तखलीक किया गया था, जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसकी तस्दीक कुरान हकीम ने इन अल्फाज में की है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात आयत 56। इस आया मुबारक से साबित हो रहा है कि इंसान एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। इसी तरह जन्नात भी एक मखलूक है, इन्हें भी इबादत के लिए पैदा किया गया है और कुरान हकीम इन दोनों मखलूकात के लिए हदायत का जरिया है। अहले अरब दौरे जाहिलियत में बड़े तोहम परस्त थे। 360 बुतों की तो वो पूजा करते ही थे और इसमें शिद्दत का आलम ये था कि हर खानदान और कबीले का एक अलग बुत हुआ करता था। कोई एक कबीला दूसरे के बुत की पूजा का मुकल्लिफ न था। चुनाचे इसी दौर में जब अरब के कौम के लोग किसी सफर पर रवाना होते तो रास्ते में कोई वादी या खौफनाक बयाबा आ जाता तो वहां से गुजरते वक्त ये अल्फाज अदा करते, मैं इस वादी के सरदार और इसकी कौम के बेवकूफों से पनाह चाहता हूँ। उनके ख्याल से बयाबानों पर जिन्नात का तसल्लुत था और वो जिनों के सरदार की इसलिए पनाह तलब करते थे कि वो और इसके महतहत बसने वाले जिन इनको कुछ अजियत ना पहुंचाएं। मतलब ये कि इस किस्म के रसूम और अकवाल से इंसानों ने इन जिन्नात को और भी ज्यादा मगरूर बना दिया। इसके अलावा इस मखलूक में सरकशी और नाफरमानी का मादा भी मौजूद है और अपने मादे की खासियत की बिना पर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आग का खासा यही है कि वो सर उठाए और सोजिश और जलन को नतीजे में दिखलाए। जिन्नात में नेक और बद दोनों इकसाम होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और बद नफ्स भी। ये मुख्तलिफ रूप धार कर रूए जमीन पर वारिद होते हैं। इन्हीं में से एक जिनका नाम इबलीस है, जो इंसान की दुश्मनी में अंधा हो गया है और इसने नस्ल आदम को बहकाने के लिए कयामत तक की मोहलत ले ली है। ये वही इबलीस है जिसने अल्लाह के हुक्म से सरताबी की थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। इसका जिक्र कुरान हकीम में इस तरह किया गया है, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। उसने तकब्बुर किया और वो था काफिरों में से। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इबलीस, इसे सजदा करने से किस चीज ने रोका है, जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ गुरूर में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है? उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मर्दूद हुआ और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत और फटकार है। कहने लगा, मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक, यानी कयामत के दिन तक की मोहलत दे दे। फरमाया, तू मोहलत वालों में से है मुतय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहका दूंगा बजिस तेरे उन बंदों के जो चीदा और पसंदीदा हो। फरमाया, सच तो ये है
और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नुम को भर दूंगा। सूरह सौत आयत 72-85। ये जिनों शयातीन सिर्फ रूए जमीन पर ही अपने अजाइम पर अमल कर सकते हैं, आसमाने दुनिया पर इनका दाखला ममनू है। अगर वो मलाइका और अल्लाह ताला के दरमियान होने वाली गुफ्त-ओ-शनीद की टोह में जाएंगे तो इन पर सितारों की मार लगाई जाती है और वो जमीन की तरफ चीखते चिल्लाते वापस आ जाते हैं। एक और मकाम पर इरशाद है, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है और इसे हर शैतान मर्दूद से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे इसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। सूरह हिज्र आयात 16-18। इस आया मुबारक में दो अल्फाज रजीम और मर्दूद आए हैं। रजीम के मानी संसार करने के हैं। शैतान को रजीम इसलिए भी कहा गया है कि जब ये आसमानों पर जाने की कोशिश करता है तो इस पर शहाबे साकिब बरसाए जाते हैं। इससे कुछ शयातीन तो उसी वक्त मर जाते हैं और जो बचकर आते हैं वो नजूमियों और काहिनों से मिलकर शरारत करते हैं। सितारे आसमाने दुनिया की जीनत हैं, जहां रात में वो मुसाफिरों की और औकात की रहनुमाई करते हैं। इसी तरह जिनों शयातीन को सबक सिखाने का काम भी देते हैं। जिन्नात में जहां बदतीनत किस्म का ग्रोह था, वहां अच्छे नेक और बुजुर्ग किस्म के ग्रोह भी थे। वो अपनी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनमें हदायत हासिल करने का अज़्म और वलवला था, जिसकी अव्वलीन मिसाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, जिनके ताबे फरमान रहकर वो मुश्किल से मुश्किल अमूर सर अंजाम देते रहे। दूसरी मिसाल आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत की है, जब एक मर्तबा इन जिन्नात ने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम सुना था। इस ग्रोह ने जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल किया, वहां अपनी समात को भी मुनव्वर किया और फिर अपने कबीले या खानदान में जाकर बड़ी हैरत और इस्तेजाब के साथ ये वाकया सुनाया। ये वाकया मक्का के करीब वादी नखला में पेश आया, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, जिन्हों को तजस्सुस था कि आसमान पर हम पर बहुत ज्यादा सख्ती कर गई है और अब हमारा वहां जाना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। कोई बहुत अहम वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी बिना पर ऐसा हुआ है। चुनाचे मशरिक व मगरिब के मुख्तलिफ अतराफ में जिन्हों की टोलियां वाकये का सुराग लगाने के लिए फैल गईं। इन्हीं में से एक टोली ने यह कुरान सुना और ये बात समझ ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत का ये वाकया ही हम पर आसमान की बंदिश का सबब है, और जिन्हों की ये टोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और जाकर अपनी कौम को भी बताया। जहां ये वकुआ पेश आया, वहां अब मस्जिद जिन बना दी गई है। बास दीगर रवायात से मालूम होता है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों की दावत पर इनके यहाँ तशरीफ भी ले गए और इन्हें जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, और मुतअद्दिद मर्तबा जिनों का वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जिनों शयातीन का जिक्र कुरान हकीम में 120 से भी ज़ायद मकामात पर आया है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर लाइक का बटन मौजूद है, बस हल्का सा क्लिक कर दीजिए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं, कमेंट भी तो करते जाइए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए।